हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में द मॉडर्न एज। आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे। हमने जो कल वीडियो की थी, हम उससे आगे के कुछ क्वेश्चंस इसमें अटेम्प्ट करने वाले हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, मूवमेंट इज़ नोन एज फर्स्ट ऑर्गेनाइज मॉडर्निस्ट लिटरेरी मूवमेंट। ए इमेजिज्म, बी सिम्बॉलिज्म, सी ऑक्सफोर्ड एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज सी ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड को क्या बोला गया है? पहला ऑर्गेनाइज मॉडर्निस्ट लिटरेरी मूवमेंट बोला गया है। नेक्स्ट इज हु हैड अ विलिंगनेस टू एक्सपेरिमेंट विद नॉन ट्रेडिशनल वर्ड्स फॉर्म। कौन थे जिन्होंने क्या किया था, नॉन ट्रेडिशनल वर्ड्स के साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए हैं? ए इमेजिस्ट, बी सिम्बॉलिस्ट, सी रोमेंटिक्स एंड डी ऑल ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए इमेजिस्ट। नेक्स्ट इज इन विच ईयर डेस इमेजिस्ट वॉज पब्लिश। कौन से ईयर में जो थी डेस इमेजिस्ट पब्लिश हुई थी? सो ए 1914, बी 1913, सी 1916 एंड डी 1915। सो राइट आंसर इज ए 1914। देखिए, जो ये डेस इमेजिस्ट थी, ये क्या थी? एक एंथोलॉजी थी। एंथोलॉजी को हम बोला जाता है कि जब सेम सब्जेक्ट पर कई सारे राइटर्स लिखते हैं और उसको एक बुक की फॉर्म दे दी जाती है, उसको एंथोलॉजिस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि कई सारे राइटर्स ने नेचर के ऊपर एक ही सब्जेक्ट चूज़ किया और उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पोएम्स लिखी और फिर उसको एक बुक की फॉर्म दे दी गई। वो सारा जो कलेक्शन है वो एक बुक में लिख लिया गया, पब्लिश कर दिया गया, उसको एंथोलॉजी बोला जाता है। सो ये जो डेस इमेजेस थी, ये क्या थी? एक एंथोलॉजी ही थी जिसको एडिटेड और पब्लिश किया था एज़रा पाउंड ने इन 1914। हमें पता है कि एज़रा पाउंड ही वो थी जिनके व्यूज से इम्प्रेस होकर ही ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और ये इमेजिज मूवमेंट का सबसे पहली एंथोलॉजी थी ये। सो हमारा राइट आंसर इज 1914। नाउ नेक्स्ट इज एज एंग्लो अमेरिकन पोइट्री ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी। कौन से मूवमेंट है जिसमें एंग्लो अमेरिकन पोइट्री मिलती है 20th सेंचुरी की शुरू होने से कुछ समय पहले की? ए इमेजिज्म, बी सिम्बॉलिज्म, सी ऑक्सफर्ड एंड डी ऑल ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए इमेजिज्म। नेक्स्ट इज एट द टाइम ऑफ बिगनिंग ऑफ इमेजिज्म, बिगनिंग इमेजिज्म की शुरुआत में, हु वर कंसिडर्ड द पैरागन्स ऑफ पोइट्री। पोइट्री के पैरागन्स किसको माना जाता था? ए लॉन्ग फेलो, बी टेनिसन, सी बॉथ एंड डी नन। सो राइट आंसर इज सी बॉथ। सो लॉन्ग फेलो एंड टेनिसन को पैरागन्स ऑफ पोइट्री माना जाता था। किसमें? इमेजिज्म की शुरुआती दौर में। नेक्स्ट इज डैश इज द प्रैक्टिस ऑफ आर्ट ऑफ यूजिंग एन ऑब्जेक्ट और वर्ड टू रिप्रेजेंट एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ जो होते थे उनको रिप्रेजेंट करना किसमें? शब्दों में। इस प्रैक्टिस को क्या बोला गया है? ए सिम्बॉलिज्म, बी इमेजिज्म, सी ह्यूमर एंड डी नन ऑफ दी। सो राइट आंसर इज ए सिम्बॉलिज्म। सिम्बॉलिज्म को क्या बोला जाता है? आर्ट ऑफ यूजिंग एन ऑब्जेक्ट और वर्ड टू रिप्रेजेंट एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। जब हम किसी ऑब्जेक्ट या शब्दों का इस्तेमाल अपने एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को दिखाने के लिए करते हैं, उसको हम सिम्बॉलिज्म बोलते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैन हैव अ सिम्बॉलिक मीनिंग। किससे हमें सिम्बॉलिक के अर्थ का पता लगता है? ए एक्शन, बी पर्सन, सी प्लेस एंड डी ऑल ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ दीज। देखिए, इन सभी से हमें क्या पता लगता है? सिम्बॉलिक का मतलब पता लगता है। सिम्बल क्या होते हैं? जिसके थ्रू हम अपने एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को दिखा सकें किसी शब्द या किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, उसी को सिम्बॉलिक बोलते हैं। नेक्स्ट इज सिम्बॉलिज्म इज ऑफन यूज्ड बाय राइटर्स टू मेक देयर राइटिंग। अपनी राइटिंग को क्या दिखाने के लिए जो हैं राइटर्स जो हैं सिम्बॉलिज्म का यूज़ करते थे उसमें, पोइट्री में? ए क्लासिकल, बी बोल्ड, सी इम्प्रेसिव एंड डी ट्रू। सो राइट आंसर इज सी इम्प्रेसिव। अपनी पोइट्री को और ज़्यादा या अपने वर्क को और ज़्यादा इम्प्रेसिव दिखाने के लिए जो राइटर्स थे वो अपने वर्क में सिम्बॉलिज्म को यूज़ करते थे। विच फिगर ऑफ स्पीच यूजेज इन सिम्बॉलिज्म। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ होता था? ए सिमली, बी मेटाफर, सी ऑक्सीमोरन एंड डी एपोस्ट्रोफ। सो राइट आंसर इज बी एपोस्ट्रोफ। सिम्बॉलिज्म में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज होती थी? एपोस्ट्रोफ। नेक्स्ट इज अराउंड विच ईयर सिम्बॉलिज्म मूवमेंट बिकेम पॉपुलर। कौन से ईयर के दौरान ये मूवमेंट सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ? ए 1880, बी 1870, डी 1900 एंड डी 1890। सो राइट आंसर इज डी 1890। 1890 में ये सबसे ज़्यादा क्या हुआ था? पॉपुलर हुआ था। देखिए, जो सिम्बॉलिस्ट मूवमेंट है उसके दौरान जो पोइट्री थी अराउंड 1890 के दौरान अपने पीक पर थी और उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी में गिरावट आई। जब 1900 का समय आया, 1900 के करीब इसमें गिरावट आने स्टार्ट हुई थी इसकी पॉपुलैरिटी में। सो 1819 में पीक पर रहा है मूवमेंट और उसके बाद 1900 में इसमें गिरावट आई, यानी कि इसमें चेंजेस आने स्टार्ट हुए, लोगों ने इसका कम से कम यूज़ करना शुरू कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
सिंबॉलिज्म इज फाउंड इन द पोइट्री ऑफ, देखिए किस राइटर की पोइट्री में इस चीज़ को पाया जाता है, सिंबॉलिज्म पाई जाती है। ए टी एस इलियट, बी डब्ल्यू बी ईट, सी बॉथ एंड डी नन। सो राइट आंसर इज सी बॉथ, इन दोनों की पोइट्री में सिंबॉलिज्म पाया जाता है। नेक्स्ट इज हु रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिज्म इन मॉडर्न नॉवल्स, मॉडर्न नॉवल्स में सिंबॉलिज्म को किसने रिप्रेजेंट किया। ए जेम जॉइस, बी वर्जीनिया वुल्फ, सी बॉथ एंड डी नन। सो राइट आंसर इज सी बॉथ, जेम जॉइस और वर्जीनिया वुल्फ इन दोनों की ही पोइट्री में, सॉरी नॉवल्स में क्या मिलता है, सिंबॉलिज्म देखने को मिलता है। हु वॉज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव नॉवलिस्ट ऑफ सिंबॉलिज्म, और इसको सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट कौन करता था। ए पॉल एडम, बी जिन्सबर्ग, सी एज़रा पाउंड एंड डी एलन। सो राइट आंसर इज ए पॉल एडम। पॉल एडम कौन थे, एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे जिन्होंने फ्रांस में सबसे पहले किसको स्टार्ट किया, सिंबॉलिज्म मूवमेंट को स्टार्ट किया, या हम दिखा कह सकते हैं अपनी नॉवल में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया। और कहा जाता है कि इन्हीं को सिंबॉलिज्म मूवमेंट का क्या माना जाता है, फाउंडर भी माना जाता है। नेक्स्ट इज इन विच ईयर द बीट मोमेंट स्टार्टेड, जो बीट मोमेंट था ये कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ। ए 1945, बी 1946, सी 1947 एंड डी 1948। सो राइट आंसर इज डी 1948। 1948 में इसकी क्या हुई, इस मोमेंट की स्टार्ट हुई, कौन सी, द बीट मोमेंट। जो बीट जनरेशन थी वो एक लिटरेरी मोमेंट था जो कुछ ऑथर्स के ग्रुप ने क्या किया था, शुरू किया था। और ये कब हुआ, जब उन्होंने क्या किया, जो अमेरिकन कल्चर और पॉलिटिक्स को है पोस्ट वॉर एरा से पहले, वो अमेरिकन कल्चर और पॉलिटिक्स को उन्होंने एक्सप्लोर किया और उससे इन्फ्लुएंस होकर इस मूवमेंट की क्या हुई, शुरुआत हुई। और इसमें जो ऑथर्स थे, जो इंक्लूड थे, जिनका ये ग्रुप था, वो कौन कौन से थे, वेल फर्स्ट थे हर्बर्ट हंक, सेकंड एलन जिन्सबर्ग, विलियम एस बुर्गो, लुशियन कर एंड क्रोक एट्सेट्रा। ये सभी क्या थे, सबसे ज़्यादा मतलब इस बीट जनरेशन के वो थे, ये ऑथर्स थे जिन्होंने ये इस मूवमेंट को स्टार्ट किया। और क्यों स्टार्ट किया, अमेरिकन कल्चर और पॉलिटिक्स से प्रभावित होकर, इन्फ्लुएंस होकर इस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बीट मूवमेंट लास्टेड टिल, ये इस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी 1948 में, हमसे पूछा गया है कि कब तक ये रहा, यानी इसका एंड कब हुआ। ए 1962, बी 1963, सी 1964 एंड डी 1965। सो राइट आंसर इज बी 1963। सो 1948 से 1963 क्या था, इसका टाइम पीरियड था, किसका, द बीट मूवमेंट का। नाउ नेक्स्ट इज हु कॉइंड द टर्म बीट जनरेशन, ये जो बीट जनरेशन है ये टर्म किसने यूज़ की थी। एक जैक किरुएक, बी एज़रा पाउंड, सी एलन जिन्सबर्ग एंड डी पॉल एडम। सो राइट आंसर इज ए जैक किरुएक ने क्या की थी, बीट जनरेशन टर्म का सबसे पहले यूज़ किया था। नेक्स्ट इज इन विच ईयर द टर्म बीट जनरेशन कॉइन, कौन से ईयर में ये जो बीट जनरेशन है इस शब्द का यूज़ हुआ। ए 1946, बी 1947, सी 1948 एंड डी 1949। सो राइट आंसर इज डी 1949। नेक्स्ट इज द हार्लेम रेनेसांस वॉज अ डैश मूवमेंट, हार्लेम रेनेसांस कौन सा मूवमेंट था। ए ट्रेडिशनल, बी रिलीजियस, सी कल्चरल एंड डी सोशल। सो राइट आंसर इज सी कल्चरल, ये कल्चरल मूवमेंट था। जो हार्लेम रेनेसांस है वो इंटेलेक्चुअल कल्चरल रिवाइवल था, किसका, अफ्रीकन अमेरिकन म्यूजिक, डांस, आर्ट, फैशन, लिटरेचर, थिएटर और पॉलिटिक्स का, जो कहाँ पर एंटर्ड हुआ था, हार्लेम मैनहट्टन में, न्यूयॉर्क सिटी में, और कब, अराउंड 1920s और 30s में। उस समय इसको किस नाम से जाना जाता था, न्यू निग्रो मूवमेंट के नाम से जाना जाता था। और ये नाम कहाँ से मिला था, ये नाम उन्हें मिला था, एक एंथोलॉजी आई थी 1925 में द न्यू निग्रो, वहाँ किसके द्वारा लिखी गई थी, एलन लॉक के द्वारा, वहाँ से इसका नाम दिया गया था न्यू निग्रो मूवमेंट, जो बाद में किस नाम से जाना गया, हार्लेम रेनेसांस के नाम से, जिसमें अफ्रीकन अमेरिकन की म्यूजिक, डांस, आर्ट, फैशन, लिटरेचर, थिएटर, पॉलिटिक्स, इन सब के बारे में बताया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लैक माउंटेन पोएट वर ऑल्सो नोन एज डैश पोएट, जो ब्लैक माउंटेन पोएट थे उनको और किस नाम से जाना जाता था। ए द न्यूयॉर्क स्कूल, बी द मार्शियन, सी द प्रोजेक्टिविस्ट एंड डी ऑल ऑफ दी। सो राइट आंसर इज सी द प्रोजेक्टिविस्ट। जो ब्लैक माउंटेन पोएट थे उनको कभी कभार प्रोजेक्टिविस्ट पोएट के नाम से भी जाना जाता था। ये एक ग्रुप था मिड 20th सेंचुरी के अमेरिकन एवंथ ग्रेड और पोस्ट मॉडर्न पोएट्स का, जो किसके सेंटर में थे, ब्लैक माउंटेन कॉलेज के सेंटर में रहते थे इन नॉर्थ कैलिफोर्निया, इसीलिए उस कॉलेज के नाम की वजह से इनको ब्लैक माउंटेन पोएट भी बोला जाता था।
नेक्स्ट इज द हंगरी जनरेशन वॉज अ लिटरेरी मोमेंट इन द, जो हंगरी जनरेशन मोमेंट है एक लिटरेरी मोमेंट था और ये कौन सी लैंग्वेज में था, ए बंगाली, बी गुजराती, सी कन्नड़, एंड डी मलयालम। सो राइट आंसर इज ए बंगाली लैंग्वेज, ये बंगाली लैंग्वेज का मोमेंट था, लिटरेरी मोमेंट। नेक्स्ट इज द हंगरी जनरेशन वॉज अ लिटरेरी मोमेंट इन द बंगाली लैंग्वेज दैट वॉज लॉन्च्ड बाय, ये एक लिटरेरी मूवमेंट था बंगाली लैंग्वेज में और इसको किसने लॉन्च किया था, किसने स्टार्ट किया था, ए हंग्रियालिस क्वार्टेड, बी हम्फ्री क्वार्टेड, सी हरी क्वार्टेड, एंड डी हुर्रे क्वार्टेड। सो राइट आंसर इज ए हंग्रियालिस क्वार्टेड, उन्होंने इसे क्या किया था, लॉन्च किया था। नाउ नेक्स्ट इज इन विच कंट्री द हंगरी जनरेशन मूवमेंट स्टार्टेड, कौन सा कंट्री थी जहाँ पर ये इस मूवमेंट की शुरुआत हुई, ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी इंडिया, एंड डी इटली। सो राइट आंसर इज सी इंडिया, ये एक इंडियन मूवमेंट था और कौन सी सिटी में हुआ था इंडिया के, वेल कलकत्ता वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट इज इन विच ईयर द हंगरी जनरेशन मूवमेंट स्टार्टेड, कौन से ईयर में इसकी शुरुआत हुई, ए 1961, बी 1960, सी 1963, एंड डी 1962। सो राइट आंसर इज ए 1961, 1961 में इसकी शुरुआत हुई और कौन सी लैंग्वेज में था, वेल ये बंगाली लैंग्वेज में था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हंगरी जनरेशन मूवमेंट वॉज लेड बाय, इस मूवमेंट को किसने लीड किया था, ए शक्ति चट्टोपाध्याय, बी मलाय रॉय, सी सुबिमल बसाक, एंड डी ऑल ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ दीज। देखिए बिनॉय मजूमदार, शक्ति चट्टोपाध्याय, शैलेश्वर घोष, मलाय रॉय चौधरी, समीर रॉय चौधरी, एंड देबी रॉय, सुबिमल बैसाख, ये सभी जो थे इस मूवमेंट की मेजर फिगर्स थे जिन्होंने इस मूवमेंट को सबसे ज़्यादा क्या दिया, लेड किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर लिटरेरी मीडियम इन द मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न पीरियड में कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट लिटरेरी मीडियम था, ए पोइट्री, बी नॉवल, सी ड्रामा, एंड डी एसेज। सो राइट आंसर इज बी नॉवल। नेक्स्ट इज विच इज़ द ओनली लिटरेरी फॉर्म विच मीट द नीड्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, कौन सी ऐसी लिटरेरी फॉर्म थी जिससे मॉडर्न वर्ल्ड की जो ज़रूरत है वो पूरी होती थी, ए पोइट्री, बी ड्रामा, सी नॉवल, एंड डी एसेज। सो राइट आंसर इज सी नॉवल। नेक्स्ट इज विच इज़ द एज ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड इंटेरोगेशन, किस एज को डिसइंटीग्रेशन और इंटेरोगेशन की एज बोला गया है, ए रोमांटिक, बी विक्टोरियन, सी मॉडर्न, एंड डी पोस्ट मॉडर्न। सो राइट आंसर इज सी मॉडर्न, मॉडर्न एज को क्या बोला गया है, डिसइंटीग्रेशन और इंटेरोगेशन की एज बोला गया है। नाउ नेक्स्ट इज एज नॉवलिस्ट लाइक हेनरी जेम्स, जोसेफ कोनार्ड, एंड रुडियार्ड किपलिंग आर ओरिजिनल रिलेटेड टू, ये जो सारे नॉवलिस्ट थे ये कौन सी एज से बिलोंग करते थे, ए प्री रोमांटिक, बी रोमांटिक, सी विक्टोरियन, एंड डी ऑल ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज सी विक्टोरियन, ये लोग विक्टोरियन एज से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द मार्क ऑफ 20th सेंचुरी नॉवल, 20th सेंचुरी का जो मतलब किस ये जानी जाती थी वो, ए डिसइल्यूजमेंट, सी बी होपलेसनेस, सी बोथ, एंड डी नन। सो राइट आंसर इज सी बोथ, ये इन दोनों के लिए जानी जाती थी इस समय की जो नॉवल्स थी। नेक्स्ट इज हु रोट द नॉवल वॉर एंड पीस, वॉर एंड पीस नाम की नॉवल किसने लिखी है, ए जोला, बी हार्डी, सी जॉर्ज इलियट, एंड डी टॉलस्टॉय। सो राइट आंसर इज डी टॉलस्टॉय। नेक्स्ट हु रोट द नॉवल मिडल मार्च, मिडल मार्च की नॉवल किसने लिखी है, ए जॉर्ज इलियट, बी टॉलस्टॉय, सी हार्डी, एंड डी जोला। सो राइट आंसर इज ए जॉर्ज इलियट, इसको जॉर्ज इलियट ने लिखा है। 20th सेंचुरी जो थी मेनली किसके लिए फेमस है, अपने नॉवल्स के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हुई। नाउ नेक्स्ट इज इन द मॉडर्न एरा हु रिफाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द नॉवल फ्रॉम सुपरफ्लोस डिटेल फ्रेजेस पैराग्राफ्स और सेंटेंसेज, ए जोला, बी जॉर्ज इलियट, सी टॉलस्टॉय, एंड डी हेनरी जेम्स। सो राइट आंसर इज डी हेनरी जेम्स, हेनरी जेम्स की जो नॉवल्स होती थी उन सब में ये सारी डिटेल्स दिखाई देती हैं। नेक्स्ट इज इन विच एज ऑफ नॉवल्स वी फाइंड क्लियर पॉइंट्स ऑफ व्यू, उनकी किस नॉवल में हम क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, रिजर्व एंड रिफाइंड कैरेक्टर विद क्लियर मोटिव, और उसमें जो उनके कैरेक्टर्स होते थे उनके मोटिव साफ साफ पता चलते थे, तो वो कौन सी एज की नॉवल थी, ए विक्टोरियन नॉवल, बी रोमांटिक नॉवल, सी मॉडर्न एज नॉवल, एंड डी ऑल ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज सी मॉडर्न एज नॉवल। बाय नेचर मॉडर्न नॉवल इज, नेचर से मॉडर्न नॉवल कैसी थी, ए पॉलिटिकल, बी सोशल, सी साइकोलॉजिकल, एंड डी इकोनॉमिकल। सो राइट आंसर इज सी साइकोलॉजिकल, वो एक साइकोलॉजिकल नॉवल होती थी उस समय की। नेक्स्ट द नरेटिव मोड और मेथड दैट अटेम्प्ट टू डेपिसिट द मल्टीट्यूडनस थॉट एंड फीलिंग, जो मल्टीट्यूड थॉट और फीलिंग को दिखाता था, विच पास थ्रू द माइंड ऑफ अ नरेटर इज कॉल्ड, ए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, बी रिवर ऑफ कॉन्शियसनेस, सी कैनाल ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस।
हु इज़ द मोस्ट डोमिनेटिंग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवलिस्ट, किसको सबसे ज़्यादा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का नॉवलिस्ट माना गया है? ए वर्जीनिया वुल्फ, बी डी एच लॉरेंस, सी हेनरी जेम्स एंड डी डिकेंस. सो राइट आंसर इज ए वर्जीनिया वुल्फ. नेक्स्ट इज हु बिलीव्स दैट ट्रू लव इज़ अ मैटर ऑफ माइंड रेदर दैन बॉडी, कौन इस पर विश्वास करता था? ए डी एच लॉरेंस, बी हेनरी जेम्स, सी डिकेंस एंड डी वर्जीनिया वुल्फ. सो राइट आंसर इज ए डी एच लॉरेंस. नेक्स्ट हु रोट पॉइंट काउंटर पॉइंट, ऐसा कौन लिखता है? ए वर्जीनिया वुल्फ, बी एलोडियस हग्सली, सी जेम्स जॉयस एंड डी डी एच लॉरेंस. सो राइट आंसर इज बी एडोलियस हग्सली. एडोलियस हग्सली ने क्या लिखा है? पॉइंट काउंटर पॉइंट. नाउ नेक्स्ट इज हु एक्सप्लोर्ड द होलोनेस एंड डेफनेस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इंटेलेक्चुअलिज्म एंड अपर क्लास सोशल लाइफ इन हिज नॉवल. ए एडोलियस हग्सली, बी ई एम फॉस्टर, सी जेम्स जॉयस एंड डी वर्जीनिया वुल्फ. सो राइट आंसर इज बी ई एम फॉस्टर. नेक्स्ट एंड लास्ट इज हु रोट द नॉवल अ पैसेज टू इंडिया, ये नॉवल किसने लिखी थी? ए ई एम फॉस्टर, बी अनीता देसाई, सी डी एच लॉरेंस एंड डी वर्जीनिया वुल्फ. सो राइट आंसर इज ए ई एम फॉस्टर. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर करें. थैंक यू.